उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में दुष्कर्म में नाकाम जीजा ने साली का गला रेत दिया, उसके बाद रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मामला ललितपुर जनपद के थाना जाखलौन से जुड़ा हुआ है, जहां थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती अपने पति के साथ लगभग 2 माह पहले मनरेगा के तहत मजदूरी करने के लिए मायके आई थी। युवती अपनी माँ के साथ मजदूरी करने के लिए गई थी, जबकि उसका पति उसकी लगभग 19 वर्षीय छोटी बहन घर पर मौजूद थे। पति ने शराब के नशे में साली को अकेला पाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। साली ने जब इसका विरोध जताया तो बौखलाए जीजा ने उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर उसका गला रेत दिया। मेरा नाम राजू। ये आपकी लड़की को किसने चाकू मारा, हमने क्या हो गया मामला? उसकी बहन हुई ने। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? अब हम लोगों को कोई मालूम नहीं है, मजदूरी खुंगाए थे नरेगा। अच्छा, अरे आप रहने वाली कहाँ की हैं? मादौन की, नांग अंदर। नहीं, जिसने चाकू मारा उसका क्या नाम है? उसका बिट्टी। बिट्टी नाम? हाँ, बिट्टी। नवंबर 17 को थाना जाखलौन में शाम को करीब 6-7 बजे राजू सहरिया अपनी पुत्री के साथ थाना जाखलौन पर आई थी। युवती को कुछ चोटें थी, उसको तुरंत मेडिकल के लिए हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। राजू सहरिया ने आरोप लगाया कि उसका दामाद नागेंद्र ने छेड़खानी की कोशिश की है और उसको चोट पहुंचाई है। करीब 1 घंटे बाद नागेंद्र की बॉडी रेलवे ट्रैक पर पड़े होने की सूचना मिली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच प्रचलित है। युवती की स्थिति सामान्य है।